कृष्ण के पास कई प्रकार के ट्रिक थी। हमारे डमरू जी महाराज करके एक बहुत अच्छे महापुरुष हुए, जो बहुत बड़े कथाकार सुखदेव जी के दूसरे अवतार कहे गए। उनका ये चिंतन है कि कृष्ण भगवान ने एक ग्रुप बनाया। आजकल ग्रुप का बड़ा महत्व होता है। उन्होंने एक ग्रुप बनाया था, मतलब एक मंडली बनाई, उसके वो मुखिया प्रेसिडेंट, और उस मंडली का नाम था माखन चोरी मंडली। तो मंडली का काम ही था कि हर जगह पर जाकर माखन चोरना। तो कई चीजें ऐसी होती है ना कि समय आने पर वो बदलती नहीं। एक कहावत है कि बार वर्षे बोली बदले, तरुवर बदले शाखा, बूढ़ा पामा केश बदले, पर लखन न बदले लाख। बोलो राधे राधे। बार वर्षे बोली बदले, 12 साल जब बीत जाते हैं, अथवा एक जगह पर आदमी 12 साल से ज्यादा रहता है, तो उसकी बोली बदल जाती है। अमेरिका आने के बाद आधी गुजराती मिक्स तो इंग्लिश हो जाती है। तो खैर, 12 वर्षे बोली बदले, तरुवर बदले शाखा। कई देशों के बाद में एक वृक्ष की शाखाएं भी धीरे धीरे बदलने लगती है। सब कुछ बदल जाता है, पर आदमी का लक्षण कभी बदलता नहीं। आदम जात जब भगवान ने बनाया, दो चीज बनाई भगवान, एक पुरुष और एक स्त्री, उनके जो लक्षण भगवान ने रख दिए, वो आज तक कभी बदलते नहीं। ऐसा कंपैरिजन करते हैं तो पता चलता है। मतलब ये मैं जो कहने वाला हूँ, उस काल में स्त्री कैसी थी और आजकल, मैं आपको तो बताइए। तो उस काल में स्त्री ऐसी थी, जब बोलना शुरू करती थी तो किसी की बारी आने देती नहीं। बोलो राधे राधे। यहाँ वो ऐसे ये सवाल में मेरी कथा थी, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक उदाहरण दिया कि हमारी गाड़ी में दो प्रकार का GPS होता है, एक फ्रंट और एक साइड। वो कहने के बाद में मैं कहा कि दो GPS, एक GPS एक ही बार बोलता है, यदि हम एग्जिट गलत लेते हैं तो वो अपने आप मैनेज करके बोल देता है कि भाई गलत है, अब यहाँ से जाओ। पर बाजू वाला GPS दूसरे दिन तक बोलता रहता है आपको। खैर, तो उस दूसरे दिन एक आदमी आया और परिचय करवाया, मैं मुकेश भाई पटेल और ये मेरा GPS। तो ऐसा आज नहीं, सालों पहले भी था। एक बार कृष्ण कन्हैया चोरी करने के लिए गए किसी के घर में माखन की चोरी। आज उसकी बारी थी और वो परेशानी थी, गोपी बड़ी होशियार थी। 4 लोगों के घर की चोरी उसने देखी थी और उसको अंदाज आ गया था कि गांव में हर गोपी का घर में चोरी हो चुकी है, मैं बाकी हूँ। तो मानो न मानो इस हफ्ते मेरी बारी आने वाली है, उसको पता है, इसलिए उसने सब व्यवस्था करके रखी है। अपने घर के अंदर वाले कमरे में ठीक बीचों बीच मक्खन के 7 घड़े को रख दिया, आसपास में सुंदर रंगोली कर दी, चारों तरफ दिया जलाकर दीपावली कर दी, और खिड़की खोल के रखी है कृष्ण के लिए। और आज उसी की बारी है। कृष्ण अपने मित्रों को लेकर जैसे ही अंदर गए, चारों ओर रंगोली और सुंदर दीपावली देखी और कृष्ण ने कहा, मित्र सुदामा, चारों ओर रंगोली है आज और सुंदर दीपावली के दीप जल रहे हैं। सुदामा ने कहा कि समझ के जाना, आज खतरा ज्यादा है। फिर भी कृष्ण को कहां डर। कृष्ण धीरे से अंदर गए और जैसे ही मक्खन ले रहे थे, दरवाजे के पीछे जैसे ना भूत निकलता है, वैसे गोपी वहां से निकली और गोपी का आवाज सुनते ही सब भागे और कृष्ण पकड़ने आ गए। पहली बार कृष्ण पकड़े गए, गोपी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज तक तुम पकड़ में नहीं आए, तुम्हारी माँ किसी की बात नहीं मानती है, मैं ऐसी नहीं हूं, मेरे को आज तक दुनिया में किसी ने उल्लू नहीं बनाया, मैं मेरे घर की मुखिया हूं, मुझे बिना पूछे मेरा पति पानी भी नहीं पीता। बोलना शुरू कर दिया, ब्रज में तो गाली भी बोलती है। अब कृष्ण को गाली बोलते 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 कृष्ण को ले आई घर के बाहर। अब तुम्हें यशोदा के पास ले जाऊंगी, तब पता चलेगा तुम गांव भर में चोरी करते हो, ऐसा ऐसा बोलने लगी। अब कृष्ण बोल रहे हैं मगर वो सुन ही नहीं रही, और धीरे 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 गांव के बीच से निकल रही है, गाली बोल रही है, अंडमन सब कुछ सुनाई दे रहा है। ठीक गांव के बीच में पहुंची और कृष्ण जोर से चिल्लाया, चुप हो गई। क्या है, बुद्धि है कि नहीं गोपी तुम में, मेरे घर जा रही हूँ, मेरे पापा जी, मेरे नंद बाबा बाहर बैठे होंगे और तुम खुले माथे जा रहे हो, तुमको शर्म नहीं है, जरा माथे ओढ़ो। वो बेचारे धीरे से ऐसे माथे ओढ़ने गई, मतलब ठीक से वो साड़ी का छेड़ा कर रही थी और फिर उसकी टैप शुरू। बोलो राधे राधे। बोलना शुरू हो गया, जैसे तैसे गाली बोलना शुरू की, हाथ पकड़ लिया, जाते 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 नंद राय के गांव में घर पे पहुंच गई। यशोदा, यशोदा देखो तुम्हारे लड़का को मैंने पकड़ लिया, चोर है, गांव भर में चोरी करता है।
यशोदा ने कहा मगर सखी क्या हुआ बताओ। बोले क्या हो क्या हुआ, ये देखो तुम्हारे बच्चे को पकड़ के लाई, चोरी करती है करता है वो। यशोदा ने कहा ठीक से देखो ये कौन है। गोंटा उठा के देखा, है बाप पतिदेवा आप यहाँ कैसे। बोले गांव के बीच में तुम जब गुमटा करने गई तो कृष्ण ने मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में पकड़वा दिया। बोले तुमको बोलना चाहिए ना, धीरे से कहा तुम बोलने दो तब ना बोलना। तो ये लक्षण आज तक चला आ रहा है। पहले के जमाने में कृष्ण ने ऐसे कई लीलाए, कृष्ण ने जो भी किया हर बार उल्टा किया है, और हर उल्टे कार्य में भी उसका अर्थ सीधा होता है। महाभारत की एक बड़ी ही दिव्य ऐसी ही बात है। बहुत समय के बाद में जब कृष्ण ने इन सब मस्तियों को आनंद को मजा को छोड़ दिया था और कई प्रिय चीजें छोड़कर चले गए थे कृष्ण, उसमें 6-7 चीजें ऐसी है जिस चीजों को कृष्ण ने अपने मथुरा गोकुल में ही छोड़ दिया है, मथुरा में कभी उन्होंने उस चीज को नहीं रखा, द्वारका में भी नहीं रखा। उन दिनों की ये बात है, अपने मित्र अर्जुन के साथ कृष्ण एक बार घूमने जा रहे थे। तो घूमने निकले द्वारका में, रहने आए थे मित्र अर्जुन, अर्जुन के साथ थोड़ा घूमने के लिए निकले भगवान द्वारका देश। घूमते घूमते एक जंगल मतलब खेत आया, खेत में एक खेड़ू काम कर रहा था। काम करते करते बैल जोतते जोतते उसके वो जो बैल थे दो वो बीमार हो गए। अब बेचारा भी इतना बड़ा खेत का काम करना है, थक गया बीमार, उधर बैल बीमार है, बांधे पड़े है बेचारा, माथे पे हाथ रख के बैठा है, बारिश माथे है, क्या होगा चिंता कर रहे। उतने में कृष्ण और अर्जुन वहां से निकले, दृष्टि हुई कृष्ण की और अर्जुन को, कहा देखो वो कुछ चिंता में है, चलो चलेंगे। दोनों वहां पर आए और पूछा क्या हुआ, उसने बताया ये हुआ है और इतना काम पड़ा है, बैल बीमार है। कृष्ण ने कहा हम दोनों काम करेंगे। जहां पर तो बैल को बांधा जाता है वहां पर कृष्ण और अर्जुन बंध गए और पीछे से वो मार रहा है। ऐसे करते करते पूरे खेत का काम कृष्ण ने अर्जुन ने किया, थक गए, पसीना बह रहा था। पूरा काम करने के बाद, बहुत थकने के बाद जब खेत से बाहर आए तो अर्जुन ने कहा कृष्ण एक बात बोलूं, आज बहुत आनंद आया, श्रम किया ना, मेहनत की इसलिए आनंद आया। कृष्ण ने कहा नहीं गलत है, मेहनत से कभी आनंद नहीं आता है। बोलो राधे राधे, दिन भर मेहनत करें थोड़ी आनंद आता, थक जाए सो जाते हैं, तो आनंद कैसे आया। कृष्ण ने बहुत सुंदर कहा, कृष्ण ने कहा कि आनंद श्रम से नहीं आया, आनंद सेवा से आया। जब व्यक्ति सेवा करता है तो आनंद आता है। घर पे झाड़ू लगाते हैं कभी आनंद नहीं आता, बोलो राधे राधे, और वही झाड़ू जब मंदिर में लगाते हैं तो वो सेवा हो जाती है। जब हम पानी में इलायची तज लवंग डाल के पीते हैं तो स्वाद अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल वही चीज यहाँ जब हम मंदिर में डालते हैं, जब आचमन करते हैं तो वो मीठा लगता है। क्यों? क्योंकि मंदिर में जो होता है वो सेवा है। इसलिए सज्जनों ध्यान दीजिए, कभी जीवन में श्रम से सुख नहीं है। आदमी कितना भी मेहनत कर करके पूरी जिंदगी पैसों के पीछे बिता देगा पर वहां कहीं आनंद नहीं मिलता। आनंद एक ही जगह पर है और वो है सेवा में। जब व्यक्ति सच्चे भाव से सेवा करता है उसी को ही आनंद आता है, और उस आनंद का एक बार नहीं सालों तक उस आनंद को लोग गिनते रहते हैं। अभी हमारे एक रन्ना बहन के एक भाई नवनीत भाई जयसवाल, उनके वहां गए थे सभा में, उनके यशोगान का कितना आनंद लोगों ने लिया उस दुख के समय में भी। उन्होंने जो जो किया रन्ना जी ने बताया उस समय सब बीच में सभा के भीतर, रन्ना जी ने कहा कि नवनीत भाई अम्बा जी की मूर्ति अपनी गोद में रखकर इंडिया से अमेरिका लेकर आए। अब देखिए कितना बड़ा काम है, मतलब प्लेन में भी माता जी की मूर्ति को साइड में नहीं रखना, अपनी गोद में रखना, ये है सेवा, वास्तविक सेवा। और उस सेवा का आनंद उन्होंने लिया लिया, आज उनके बच्चों ने भी लिया और भविष्य में भी उनके बच्चे गर्व से कहेंगे इस मूर्ति को मेरे दादाजी अपनी गोद में रखकर लाए हैं, ये है वास्तविक आनंद। यहाँ पर रखी मूर्तियां भविष्य में सब आनंद, सब लोग कहेंगे हमारे माता पिता ने ये सेवा की है, ये वस्त्र हमारे माता पिता ने चढ़ाया था, ये चांदी का मुकुट मेरे पिताजी ने यहाँ अर्पण किया था, ये है वास्तविक आनंद। और वो वास्तविक आनंद केवल सेवा से आता है, जो सेवा का उत्तम उपदेश भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय।